मिस यूनिवर्स हरनास संधू की पिछली कुछ बातें बताने के लिए क्लियर है कि आप हरनास संधू को ऐसे ही किसी मुद्दे पर ट्रोल नहीं कर सकते कुछ ही दिनों पहले हरनास संधू को उनके बड़े हुए वेट के लिए ट्रोल किया गया और उसके बाद उनके हिजाब को लेकर जो थॉट्स थे उस पर भी ट्रोल किया गया अब हिजाब पर ट्रोल करने वाले ट्रोलर्स को हरनास संधू ने मुँह तोड़ जवाब दिया है हरनास संधू ने हिजाब कंट्रोवर्सी पर क्या कहा था ये मैं आपको पहले बताऊंगी हरनास संधू ने कहा था कि हर लड़की को आसमान में उड़ने की इजाजत है उन्हें मंजिल पर पहुंचने दिया जाए उनके पर ना काटे जाए हरनास संधू के इस स्टेटमेंट को लोगों ने पसंद नहीं किया लोगों ने कहा कि कैसे हरनास जो है वो हिजाब को सपोर्ट कर रही है इसी बीच हरनास को लेकर सोशल मीडिया पर कई चीजें उठने लगी जिसके बाद हरनास ने अपने तरफ की सफाई पेश की और बताया कि आखिर उन्होंने ये स्टेटमेंट किस रूप में कहा था हरनास कहती है देश के युवा होने के नाते मैंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है और देश दुनिया में होने वाले हर मुद्दे पर आपकी राय जरूर होनी चाहिए मैंने साफ कहा था कि अगर लड़कियां हिजाब पहन रही है तो ये उनकी मर्जी है लेकिन अगर वो पेट्रिया की सिस्टम को फॉलो कर रही है और उसके दबाव में आकर ये कर रही है तो अपनी आवाज उन्हें खुद उठानी होगी जब वो अपनी आवाज खुद नहीं उठा रही तो मैं उनके लिए कैसे लड़ सकती हूँ उन्हें ही आगे आना होगा बोलना होगा और अपनी मर्जी जो हो वो करना होगा कुछ इस तरीके से हिजाब विवाद पर फाइनली हरनाज संधु ने क्लैरिटी दी है कि वो उन लड़कियों की बात कर रही है जो इन सब सिस्टम से लड़ना चाहती है लेकिन जो लड़कियां लड़ना ही नहीं चाहती उनके लिए हरनाज ये बात नहीं कह रही है